स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर बैठे आप टेस्टी मैगी कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर आप पहाड़ी स्टाइल मैगी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय हुए गवाए हुए। तो मैगी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा टमाटर जिसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, और प्याज जिसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप किया है। प्याज मैंने थोड़ा नॉर्मल साइज का ही लिया था, मीडियम साइज का। 3 चीरा हुआ मिर्च मैंने लिया है, यानी कि मैंने मिर्च लिया है और उसको अच्छे तरीके से चीरा लगा लिया है। और ये है गाजर और शिमला मिर्च जिसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको रखनी होगी। अब बनाते हैं हम मैगी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई बैठा लेंगे और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं या फिर घी यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज करने वाली हूँ। तो रिफाइंड ऑयल आपको 2 से 4 चम्मच इस कढ़ाई में डालना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल अच्छी तरीके से ऐड कर लिया है। अभी तेल को हमको अच्छा गर्म होने के लिए रखना है, ताकि जब तक हमारा तेल गर्म नहीं हो जाता हम आगे के प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। तो तेल आपका 5 से 4 मिनट में अच्छा गर्म हो जाएगा। आप इस टाइम पे चाहें तो फ्लेम को थोड़ा हाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो तेल है वो अच्छा गर्म हो जाए। अब देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो अच्छा गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और जो सब्जी हमने काट कर रखा था उसको अब हम कढ़ाई में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। चलिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। तो फ्रेंड्स सारी सब्जी हमने इसमें अच्छे तरीके से डाल दी है, अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए इसको हमको लाइट ब्राउन होने तक थोड़ा अच्छे तरीके से भूनना है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स प्याज और बाकी जितनी सब्जी है पानी छोड़ना स्टार्ट कर चुकी है। तो अब आपको इस पॉइंट पे आपको मैगी मसाला डालना है। मैगी के साथ जो मसाला आपको मिलता है वो इसमें ऐड करना है। तो अब जितनी मैगी बनाने वाले हैं उतना पैकेट ही आपको मैगी मसाला इसमें ऐड करना है। अगर आप 2 पैकेट मैगी बना रहे हैं तो आप 2 पैकेट मैगी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 पैकेट मैगी यूज करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 मैगी मसाला ऐड करूंगी। अब आपको इस पॉइंट पे बहुत ही अच्छी मैगी की खुशबू आ रही होगी। तो अब आपको इसमें हल्दी ऐड करना है 1 चम्मच। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स तो आप इसमें चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चिली नहीं खाते हैं तो आप चिली पाउडर अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं तो आपको 1 चम्मच चिली पाउडर इसमें ऐड करना है। पहाड़ी स्टाइल मैगी बना रहे हैं तो थोड़ा तीखा तो होना जरूरी है ना। अब आपको इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे नमक ऐड कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं आपका मसाला थोड़ा चिपक रहा है। पॉइंट पे हमारा जो मसाला है वो नीचे चिपकने लगता है, तो हमको इसको चलाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। और फिर अब हम इसमें फ्रेंड्स ऐड करने वाले हैं मैगी, जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, मेन हीरो है। आइए इसमें मैगी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमने मैगी ऐड कर दिया, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हमने पानी ऐड कर दिया, उसके बाद हमको इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस टाइम पे फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है। ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए हमको इसको रखना है, ताकि हमारा जो मैगी है बिल्कुल अच्छे तरीके से पक सके। सो आपको 20 मिनट्स बस और वेट करना पड़ेगा और फिर आपका मैगी रेडी हो जाएगा। तो गाइस मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट के बाद। फ्रेंड्स नेट हो चुके हैं, चलिए प्लेट हटा के देखते हैं हमारी जो मैगी है वो पकी है या नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैगी है वो कम्प्लीटली पक चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं इस पॉइंट पे और एक बार मैगी को अच्छी तरीके से चला देते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी है। चलिए इसको हम सर्व करते हैं सर्विंग प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स हमने प्लेट में इसको बिल्कुल दिखने में पहाड़ी स्टाइल मैगी भी लग रहा है और खाने में भी बिल्कुल आपको टेस्टी देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी कितना धुआं इसमें आ रहा है, यानी अभी मैगी बहुत ज्यादा गर्म है। तो देखने देखने में भी बढ़िया है, खाने में भी और भी बढ़िया होगा। तो
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहाड़ी स्टाइल मैगी पसंद आया होगा। अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।